उम्मीद तो नहीं है कि मैकेनिक्स ने काम अपना स्टार्ट किया हो। यदि क्लच प्लेट की स्मेल लगती है नहीं, क्लच प्लेट चलेगी तो क्लच प्लेट की स्मेल आएगी। प्लेट करके आप लोगों फिर इसके लोग चेक करवाएंगे। अब ये है जी, इसके इंजन का साउंड बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं है इसमें। उनका तो कहना यही है कि ये कंप्रेसर इसको फिट नहीं होगा। मुझे पता तेरे दिमाग में क्या जा रहा है। मुझे अपने घर जाना है। कहे जाने की तैयारियां कर रहे हैं? अब आज तो हम जावेंगे, वहां में गाड़ी ट्रक पर लेकर जाए, आज जावेंगे हर्षद जी शॉप पर, बैग इनका कमरा है उनका। चलो भाई। तो जी एक मरतबा फिर मामूल के मुताबिक हम लोग सुबह सुबह उठ के, तकरीबन सुबह सुबह तो नहीं है, तकरीबन कहीं 10:15 हो चुके हैं इस टाइम, और वर्कशॉप की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं और कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। फ्रेश हो चुके हैं हम लोग और फिर उसके बाद उम्मीद तो नहीं है कि मैकेनिक्स ने काम अपना स्टार्ट किया हो, तो जाके फिर चेक करते हैं। मौसम आज बड़ा मज़े का हुआ है, बारिश रात को आई थी। बस यहीं पर एक बार फिर आ चुके हैं जी हम वापस से अपनी वर्कशॉप में, और यहाँ पर काम तो स्टार्ट है। ये देखें जी, इलेक्ट्रिशियन साहब अपने काम को लगे हुए हैं। यदि क्लच प्लेट की स्मेल लगती है नहीं, क्लच प्लेट चलेगी तो क्लच प्लेट की स्मेल आएगी। ये स्टार्ट हुआ है ना इंजन, कितने दिन शायद पड़ा है, पड़ा हुआ है, ये मिला हुआ है तब ये जब मैं क्लच प्लेट सड़ती थी तो उसी स्मेल आती है, क्लच प्लेट की और स्मेल आती है। जिसका हम सही जगह था तो पक्के वो चली करना बेबी पटेगा। नहीं ये इंजन हमारा हो गया जी फुल पैक, और ये इसका लग गया एयर क्लीनर, ये साउंड बोतल मिसिंग है जी। हाँ ये चीज़ अभी मिसिंग है, ये भी अभी कंप्लीट करके आप लोगों फिर इसके लोग चेक करवाएंगे। अभी तो ये गंदा सारा धुला भी नहीं हुआ, और ये जब होगा सारा साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा उसके बाद माशाल्लाह से जो ये लुक निकालेगा, मैं कहता हूँ छोड़ दो आप। और उसके बाद यहाँ पर अभी एक पाइप लगना है, ये जगह भी फिल हो जाएगी, और अब इसको स्टार्ट करके आपको इसका फाइनल साउंड चेक करवाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये स्टार्टिंग है जी इसकी, ये आप चेक कर सकते हैं इसका साउंड, इंजन का साउंड आप लोगों को चेक करवाता हूँ मैं। ये है जी इसके इंजन का साउंड, बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है इसमें। स्लंसर की है हल्की सी, वो भी जाके अब जंग जाके ना सबसे पहले वो काम करवाना है हमने, जाके इसका जो सिलेंसर है उसको हमने जो कट ऑफ लगा हुआ है उसको हमने बिल्कुल ही निकाल देना है। और बाकी ना ये पावर पंप की आवाज़ है कोई, ना जनरेटर के बैरिंग की, ना इसका जो मेन बैरिंग है उसकी भी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल स्मूथ इंजन है। और माशाल्लाह जिस तरह से नुमान भाई ने बताया था उसी तरह ही ये इंजन निकला है। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था शुरू में, लेकिन इन्होंने जब तसल्ली दी उसके बाद जब ये इंस्टॉल हुआ और स्टार्ट हुआ उसके बाद सारे काम आपका भाई जो है ना वो भूल गया एक मरतबा। और अब जाते हैं जी इसका ये कंप्रेसर की तार इन्होंने निकाल दी है, कंप्रेसर हमारा इस टाइम हवा में है फुल टाइम, और जाके इसको जो है अब आप देख रहे होंगे थोड़ी सी एनर्जी आपके भाई में भी आ गई है, क्योंकि सारा काम जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ऑन रोड करके इसकी जो है ट्राई वगैरह भी लेते हैं, और उसके बाद पहले नंबर पे जो इसका कंप्रेसर है पहले उसको फिट करवाना है। अब निकलेंगे, निकलते हैं। चलें जी, कोशिश तो यही थी कि इसके जो पहले वाली गैस है वो ना निकले और इसी गैस के ऊपर हमारा काम हो जाए, और कंप्रेसर की भी इनको मैंने बात किया कि यही वाला फिट करना है, जो नया वाला है वो फिट नहीं करना। तो अब ये खोलने लगे हैं और गैस ये हम ज़ाया करवाएंगे इसकी, क्योंकि इसकी टीएम वगैरह वो चेंज होनी है,
वो लाजमी सी बात है इन्होंने कहा है। तो अभी फिर आगे जो भी सीन होता है वो फिर देखते हैं। अभी गाड़ी मिसिंग में भी है, थोड़ा बहुत है इसका जो है वापसी पेट्रोल वो भी चालू होनी है। एक मरतबा फिर से जनाब से बातचीत खुल चुकी है। इसका पावर और इसका जनरेटर वो पड़ा हुआ है और उसके बाद कंप्रेसर जो है वो भी इसका खुल चुका है जी। जो इसके कंडेंसर की हैं टीएसी हैं वो भी हर चीज़ खुल चुकी है और वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी लेके गए हैं कंप्रेसर और उसको फिर चेक करते हैं। वो उनका तो कहना यही है कि ये कंप्रेसर इसको फिट नहीं होगा और उम्मीद करते हैं जी ये फिट हो जाए। कोशिश तो पूरी है। ये बैरिंग का इशू था जी, जो नया क्लच इन्होंने लगाया है, पुल्ली जो लगाई है नहीं, तो अब ये बैरिंग ला के देते हैं जी इनको। कितना दूर है यहाँ से? ये बैरिंग मैंने जी कंप्रेसर जो है वो अपनी जेन्युइन फिटिंग के ऊपर आ चुका है जी। इस टाइम पीछे वाले जो दो काबले हैं वो रहते हैं, ऊपर वाले इन्होंने लगा लिए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल में इसमें गैस फिलिंग का ही काम रह गया। क्या देख रही है भाई? हमारे किस्मत कब चमकेगी? मुझे पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में वो चल रहा है जो परसों तेरे दिमाग में चल रहा है। मुझे पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। देख रहा हूँ यार रिबॉन खड़ी खड़ी उदास हो गई होगी। हाँ अब उसका भी तो ख्याल करना है। नहीं दुल्हन का? नहीं दुल्हन का। उसका ख्याल रखने वाले पीछे हैं? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। बस ब्रो झंडू भी बढ़िया। फाइनली हमारा जो एसी का काम था वो भी सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे और जो हमारा तजुर्बा था वो भी कामयाब हुआ कि ये वाला जो कंप्रेसर है जो एसी इंजन का अपना था वो हमने उतार के D17 पे लगा दिया। पिछले मरतबा मेरा ये एक तजर्बा रहा है कि एक गाड़ी में मैंने D17 डलवाया, ठीक है, उसका अपना कंप्रेसर लगाया CF वाला और वो कंप्रेसर जो है वो पता नहीं इस फ्रीजर के साथ मैच नहीं करता कि पता नहीं क्या मसला है। वो कोई 5 से 6 उस इंजन ने जो है ना कंप्रेसर उड़ाए, उसके बाद वो आखिरकार फिर मैंने गाड़ी सेल कर दी और इस पे इसीलिए मैंने ये तजुर्बा किया कि इसका अपना जो कंप्रेसर है वो उतार के हम इस D17 के ऊपर इंस्टॉल कराएं, चाहे हमें जो मर्जी अल्टरेशन करनी पड़े या जो मर्जी करना पड़े। तो अभी इसका ऑटो चौक का थोड़ा सा काम है और पेट्रोल वापसी जो है वो हमने चालू करवानी है, तो वो भी इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में हमारी चालू हो जानी है। उसके बाद फिर इसको लंबी ट्राई करेंगे और इंजन की फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये दोबारा उतारने पड़ेंगे, ये पाइप भी लगा दो इसको यहाँ पे, अभी खाली खाली अभी लग रहा है। इसके साथ कर दो एसी के साथ, थोड़ा सा उठे कम ना हो, इस तरह कर दो। RPM इस टाइम बहुत डाउन है। अच्छा जी हाँ जी नुमान भाई ऑल सेट, हमजा भाई ऑल सेट, बिल्कुल। देखिए जी हमजा भाई माशाल्लाह अपनी गाड़ी बिल्कुल अब टिप टॉप करा के यहाँ से इसकी ट्राई लेंगे, ट्राई लेके और बस इंशाल्लाह फिर ये जंग की सफ़र को रवाना हो जाएंगे और ये सारे काम से खुश हैं, हम सब खुश हैं। बस अब ये कि काम हमारा ये जो हमने करवाया है ये लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है जी। Thank you.
हाफिज हो, ठीक है यार। तो फाइनली जो हमारा इंजन है वो पूरी तरह से लागा शुक्र है फिट हो चुका है जी। और मैं कहता हूँ कोई कमाल की परफॉर्मेंस है इस इंजन की। और इसकी पिक और इसकी एवरेज मैं कहता हूँ पूरे शहर का चक्कर लगा लिया। सुई यहाँ पे थी जी, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर थी और यहाँ पे आके रुक गई है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पिक इसकी मैंने जो पहले वीडियो लगाई है उसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरह मैंने वाह भगाई है। वैसे मैं भगाता तो नहीं होता, ये सिर्फ मैंने इंजन चेक करने के लिए भगाई थी। तो फर्स्ट जो हमारी ड्राइव थी उसके अंदर एक छोटा सा इशू आया था, उसमें भी मैंने ऐसे ही भगाई थी। उसमें ये इशू आया था जो इसका कैम सेंसर जो था वो काम छोड़ गया था, जिस वजह से फिर हमें दोबारा से खोल कस करनी पड़ी और कैम सेंसर हमने दोबारा चेंज किया। तो जो नुमान भाई हैं मैं कहता हूँ उन्होंने उफ तक नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जो चीज़ चेंज होती है, जो चीज़ डलती है, जिस तरह भी है, ये साउंड बोतल भी मैंने नहीं सुना आज तक कोई बंदा दे रहा है जी इंजन के साथ साउंड बोतल साथ पाइप। और बड़ा ही जनाब साहब उनका इखलाक जो था बहुत ही अच्छा इखलाक था और उनके वालिद साहब का बहुत अच्छा इखलाक था। शुरू शुरू में तो मुझे डाउट हुआ कि इंजन में ये मसले हैं इंजन में मेरी पसंद मुझे पसंद नहीं आया। तो जिस तरह का उनका इखलाक था, जिस तरह उन्होंने मुझे डील किया, तो वहाँ से फिर मैंने इंजन डलवाया। मैंने कहा चल ठीक है डलवाते हैं जी। उसके बाद इन्होंने रसीद बना के दी, रसीद के ऊपर इन्होंने प्रॉपर मुझे 15 दिन की इसकी वारंटी लिख के दी। मुनासिब मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये रेट मुझे नहीं मिला जो इन्होंने मुझे रेट दिया, नुमान भाई ने मुझे रेट दिया। इनका जो नंबर है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो आप लोगों को, आप में से किसी को भी अगर किसी चीज़ की इंजन की या वायरिंग की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इनसे रابطہ कर सकते हैं बेफिक्र होके। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी किस्म की कोई दो नंबर ही नहीं है। सुना था कि यहाँ पे काफ़ी दो नंबर लोग बैठे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ VIP बंदा था और ख़ुद सर पे खड़ा होके उन्होंने जनाब सब सारा AC का काम, ये वो पावर पम्प हर चीज़ एक एक चीज़ उन्होंने सर पे खड़े होके जो है ना मिस्त्रियों को डंडा दे के उन्होंने काम करवाया है। नहीं तो आप लोगों को पता है किस तरह मैकेनिक्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे आए हैं जी i8, ये आप चेक कर सकते हैं जी। यहाँ पे अब हम कुछ खाना पानी करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे टॉपो टॉप नॉन स्टॉप मोटरवे पे इंशाल्लाह। टाइम हो गया जी कोई 10 बजे का और 2 बजे या 3 बजे इंशाल्लाह हम घर पहुँचेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आई हो आज की ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।